हेलो दोस्तों फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 में बेहतर रिजल्ट कैसे लाए ठीक है ना जिसे आपको सरकारी कॉलेज आसानी से मिल जाए ठीक है तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बताते हैं कि आप लोग बेहतर रिजल्ट कैसे लाएंगे यदि आप भी बेहतर रिजल्ट लाना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना ठीक है ना आज मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स ऐसे ट्रिक्स दूंगा ना जिससे आपके 100 परसेंट अच्छा नंबर आएगा और आपका सरकारी कॉलेज मिल जाएगा तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे बेहतर रिजल्ट आपको आएगा कैसे तो बेहतर रिजल्ट लाने के लिए आपको सिलेबस सब्जेक्ट समझना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर आते हैं आपको क्या पढ़ना चाहिए और आपको क्या नहीं पढ़ना चाहिए आप कम समय में ठीक है ना तो चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट बाइ सब्जेक्ट ठीक है ना तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गणित की बच्चों तो गणित आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर आपको दे सकता है गणित से बच्चों पच्चीस क्वेश्चन पूछेंगे और आपके पच्चीस नंबर आएंगे ठीक है ना टेंथ लेवल का ही मैथ है ना टेंथ लेवल का ही मैथ से सवाल आता है और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं आपको मैं आपको सब कुछ बताऊंगा बस वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहना ठीक है ना तो गणित से पच्चीस क्वेश्चन आएगा आपको पच्चीस नंबर देगा ठीक है ना टेंथ लेवल का ही मैथ का सवाल आएगा ठीक है ना मैथ की बात करते हैं अब हम लोग विज्ञान की साइंस की तो बच्चों साइंस में ना बीस सवाल आएंगे ठीक है ना बीस क्वेश्चन आएंगे बीस नंबर के देंगे अगला रहेगा आपका एस सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से बच्चों बीस क्वेश्चन आएंगे आपको बीस नंबर मिलेंगे ठीक है ना साइंस की बात कर लिया मैथ की बात कर लिया एस की बात कर लिया अब बात करते हैं इंग्लिश की तो बच्चों इंग्लिश से ना आपके 20 नंबर आएंगे ठीक है ना 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के आएंगे ठीक है ना अब इंग्लिश के बाद आपका या तो हिंदी आएगा या आपको उर्दू आएगा अगर आपने ट्वेल्थ में अगर उर्दू रखा था तो आपका उर्दू एग्जाम देना है हिंदी हिंदी या उर्दू से 25 क्वेश्चन आएंगे आपको सबसे बेहतर रिजल्ट लाना है ठीक है ना आप कुछ नहीं करिए पी वाई क्यू अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करिए ठीक है ना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दो हज़ार बाईस और दो हज़ार तेईस का क्वेश्चन दिया गया ठीक है ना तो मैं मेरा बात मानिए और सबसे पहले आप लोग दो हजार तेईस का क्वेश्चन बैंक खोलिए ठीक है ना दो हज़ार तेईस का क्वेश्चन खोलिए और पूरा एक एक है ना जितना भी दो हज़ार तेईस में क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट पाली में द्वितीय पाली में है ना अर्थात पिछले साल ना छः जून दो हजार तेईस से सवाल पूछना स्टार्ट हुआ था ठीक है ना और शायद पंद्रह सोलह जून तक पूछा गया था ठीक है ना छः सात दिन एग्जाम हुआ था प्रथम पाली द्वितीय पाली प्रथम पाली द्वितीय पाली आप हर एक सेट को तैयारी कर लीजिए अब मेरा विश्वास मानिए अगर आप पीवाई कर लेते हैं हंड्रेड परसेंट वैसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे और मैथ में तो 25 में 25 नंबर आप लोग ले आएंगे अगर आप पी वाई क्वेश्चन को कर लेते हो तो ठीक है ना अब मैथ में आप क्या क्या पढ़े देखिए सबसे पहले आप लोग पीवाई क्यू क्वेश्चन करें जिससे आपको यह पता चल जाए कि एग्जाम में सवाल पूछे कैसे जाते हैं आपको बनता है कि नहीं बनता है ठीक है ना और मैथ में आपको टेंथ लेवल का मैथ पढ़ना है सबसे पहले आपको वास्तविक संख्या पढ़ना है ठीक है ना वास्तविक संख्या से दो क्वेश्चन हंड्रेड आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ठीक है ना उसके बाद बात करते हैं बहुपद की तो बहुपास से भी लगभग एक नंबर का सवाल देखने को मिलेगा अगला है दो चर वाले रैखिक समीकरण इससे भी लगभग एक सवाल लग आपको देखने को मिलेगा अगला है द्विघात समीकरण अगला है एपी अगला है त्रिभुज अगला है निर्देशांक जयमिति है ना इस समय से सब में से एक 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 दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अगला आपका त्रिकोणमिति है ना अगला है आपका वृत्त अगला आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल अगला आपका क्षेत्रमिति अगला आपका सांख्यिकी अगला आपका प्रयक्त है ना मैथ में आपको बस यही सारे चैप्टर पे क्या करना है आपको रिवीजन कर लेना है और साथ में जो प्रतिशत वाला सवाल है ना मतलब लाभ हानि वाला सवाल है ना परसेंटेज वाला सवाल है ना आपको इसको भी देख लेना था तो हंड्रेड परसेंट आप मैथ में पच्चीस में पच्चीस नंबर हंड्रेड परसेंट ले आपको कोई नहीं रोक सकता है लेकिन आप याद रखें कि आपको हर एक दिन कम से कम एक साल का है ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन करना, करना ही करना ही करना है कम से कम रोज एक सेट आपको लगाना है हंड्रेड परसेंट आपको बेहतर नंबर लाने से ना कोई नहीं रोक सकता है ठीक है ना तो मैथ में आप लोग ऐसे तैयारी कर लें अब बात करें साइंस की तो साइंस में है ना आपको टेंथ का साइंस थोड़ा बेहतर से पढ़ लेना चाहिए जैसे फिजिक्स हुआ केमिस्ट्री हुआ बायोलॉजी हुआ इसको आप लोग एक बार थोड़ा रीड कर लीजिए और साइंस का सेट पी वाई क्यू से आप लगा लीजिए एस एस टी में भी आपको ऐसे ही करना है ठीक है ना और हिंदी में क्या करें हिंदी में आप व्याकरण पे ज्यादा फोकस करें ठीक है ना जैसे संज्ञा है सर्वनाम है क्रिया है क्रिया विशेषण है संधि है समास है है ना अलंकार है छंद है इस सब पे आप लोग क्या करें बेहतर से स्टडी करें प्रैक्टिस कर लें है ना अच्छा नंबर आपका आ जाएगा बात करें इंग्लिश की तो बच्चों इंग्लिश में सबसे ज्यादा ना आपका एडियम्स और फ्रेज से सवाल आएगा ठीक है ना इसके बाद टेंस से ज़्यादा सवाल आएगा फिर नैरेशन से आएगा ठीक है ना फिर वॉइस से आएगा फिर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वेड वर् प्री पोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन ये सब जो है ना ये सब आप लोग क्या कर ले पढ़ ले प्रीपोजिशन सब ठीक है ना बेहतर नंबर प् आ जाएंगे ठीक है ना तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो का आपको अच्छा लगा होगा है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल तो को सब्सक्राइब कर देना और मेरी बात मानो आप लोग कम कम से कम एक साल का क्वेश्चन रोज रोज बनाओ अगर आपने नहीं बनाया तो फिर आपका बेहतर नंबर नहीं आ सकता ठीक है ना आप लोग एक प्यार से आप कमेंट कर देना कि वीडियो आपको कैसा लगा ठीक है ना फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द एक वीडियो के साथ जब तक ले दीजिए इजाजत बाय बाय टेक केयर अपना ख्याल रखना खुश रहना थैंक